नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। यूनाइटेड अकाली दल के प्रधान भाई मोकम सिंह और सिख जथेबंदियों द्वारा एसटीपीसी के दफ्तर में दिया गया मांग पत्र। शिहाटा में मनाया गया भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म उत्सव। बढ़ रही महंगाई के चलते परेशान लोग। अब खबरें विस्तार से। 10 नवंबर को कुछ सिख जथेबंदियों की तरफ से सरबत खालसा का आयोजन किया जा रहा है। इसके चलते एक मांग पत्र यूनाइटेड अकाली दल के प्रधान सरदार भाई मोकम सिंह जी ने सिख जथेबंदियों के द्वारा एसटीपीसी के ऑफिस में दिया। इस पर उन्होंने एसटीपीसी को इस सरबत खालसा में आने की मांग की। साथ ही उन्होंने एसटीपीसी से गुजारिश की कि वे सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में स्थित गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल की जगह उनको दे, जिसके चलते वे जहां पर सरबत खालसा को बुला सकें। इस मौके पर सरदार मोकम सिंह जी ने कहा कि एसटीपीसी सिखों की सरमोर संस्था है और धार्मिक मामले में वह सिखों की आवाज़ बुलंद करती है। इसी के चलते वह यहां आज ये मांग पत्र दे रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखा की मेन बाडी है, जो कि सिखा के श्रोमणी स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब, श्री अकाल तख्त साहब से बाकी दे साडे वड्डे धर्म स्थानों की सेवा संभाल करती है। उस संस्था के मुख दफ्तर में आके उन्होंने चीफ सैकटरी एक सद्दा पत्र श्री मंजी साहब विखे सरबत खालसा बुलाने वास्ते थान की मंग वाली जो पंथ वालों आई है उसनों मुख रखद चिट्ठी पत्र दिता गया, जो कि प्रधान साहब के नाँ पर है, राही चीफ सैकटरी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दिता गया। तो असी नाल ही थान की की गल की है, नाल ही असी उस सरबत खालसा विच शामिल होने का सब तो पहला सद्दा जिहड़ा है वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिता कि श्रोमणी कमेटी उन्दे चावे भी अपने विचार भी रखे और इस नाल पंथ नूं अगे लैके जाण वास्ते सो अपना बनदा रोल अदा करे। पहले इन्हें सानू पत्र दिता, इस पत्र ते विचार कर लांगे, ये इन्हां दी मंग हैगी जी। मैं प्रधान साहब जी नाल भी गल कर लांगे, विचार कर लांगे। ये इन्हां दा विचार है जी, जिवें जी करे, कोई जो करना चाहे कित्थे करना है, किवें करना है, इहदे बारे विचार करके जो फैसला होगा दस देंगे अपने वीर नूं जी। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म उत्सव शिहाटा बाजार में एससी डिपार्टमेंट वाइस चेयरमैन पंजाब प्रदेश कमेटी कांग्रेस श्री राकेश कुमार रिंकू की अध्यक्षता में बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर डीआईजी श्री कुंवर विजय प्रताप जी बॉर्डर रेंज मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित हुए। इस पर उन्हें श्री राकेश कुमार रिंकू द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर बाबा दीप सिंह सोसाइटी की तरफ से छात्र छात्राओं को किताबें भी बांटी गई। इस मौके पर डीएसपी गुरनाम सिंह, डॉक्टर राकेश कुमार अरोड़ा तथा निक्षत्र नाथ आदि उपस्थित थे। पंजाब जेड़ा अज परमात्मा वाल्मीकि महाराज का जेड़ा प्रगट दिन है, बड़ी श्रद्धा और बड़ी धूमधाम मनाया जा रहा शहाटे चौंक दे विच, और जेड़ा साडा केंद्रीय मंदिर है शहाटे दे विच, इत्थे हर साल की तरह बड़ी शान और शक्ति नाल मनाया जांदा, जिहदे विच सारे मुख मेहमान लीडर सारे धर्मां दे सारियां संस्थां दे पहुंचदे ने। असीं उन्हां दा बड़ा इत्थे धन्नवाद करदे हां पहुंचे, और जिहड़े साडे समाज दे लोग ने, क्योंकि अज साडे समाज दे विच बहुत जागृति आ चुकी आ, इस करके साडे जिहड़े इत्थों दे लीडर ने, साडे इत्थों दे लोग ने, ओह साडे नाल चलदे ने। जिथे जिथे हिंदुस्तान दे लोग बैठे ने, मैं उन्हां नूं सारा मुबारकबाद दिंदा। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जी ने जो उपदेश दिए हैं उनके उपदेशों के ऊपर चल करके हम एक बहुत अच्छा समाज बना सकते हैं, और जो हमारे समाज में बुराइयाँ हैं मैं यकीनी तौर पर बोल सकता हूँ कि अगर उनके उपदेशों के आधार पर अगर हम काम करें और उनके उपदेशों पर हम अमल करें तो हर तरह की बुराइयों को दूर कर सकते हैं और एक बहुत ही सभ्य और स्वस्थ समाज की संरचना कर सकते हैं। कल जहां पूरे उत्तरी भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहीं शहर कादिया में भूकंप के तेज झटकों के कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पत्रकारों से बातचीत कर लोगों ने बताया कि इतने तेज झटके हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। झटके आए हैं जी, बहुत तेज आए हैं, अपनी लाइफ से पहली बार देखे गए।
ਤੇ ਬੈਠੇ ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਪੱਕੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੁਣੇ ਲਗਭਗ 2:40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਚਾਨਕ ਯਕਦਮ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਹੈ ਲਗਭਗ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਵੀ ਇਕਦਮ ਥਰਥਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਥਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਹਬੜਾ ਦਬੜੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਬੜ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੇ ਚਲਤੇ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਚਿਹਰੇ मायूस हो गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र में भाजपा सरकार बनने से पहले जो वादे किए गए थे वह वादे झूठे साबित हो रहे हैं। दालों के रेट दिन प्रतिदिन आसमान को छू रहे हैं। जहां मूंग की दाल 80 रुपए प्रति किलो मिलती थी वही वह दाल अब 120 रुपए प्रति किलो मिल रही है, जिस कारण लोगों का बजट काफी उथल पुथल हो चुका है। इस वाले आसमाना नु छू रहे ने दालों दे भा, हर एक दाल जो 20-30 रुपए किलो वध चुकी है जो कि आम इंसान की पहुंच तो बाहर हो रही है, पर गवर्नमेंट नू इहदे बारे कोई ख्याल नहीं है। गरीब आदमी का चूल्हा कित्थों चलूगा, इस करके गवर्नमेंट नू चाहिदा वा इन्हां उत्ते थोड़ी रोक लाई जावे ते रेट घटाए जान थोड़े। उहदी दाल जी देखो जी पहला 90 रुपए 100 रुपए किलो विकदी सी, अज की रेट दे विच 140 रुपए किलो विकदी है, ते छोलियां दी दाल जिहड़ी 60 रुपए विकदी सी उह अज 70 रुपए विक रही है। करीबन 30-40% महंगी हो गया अगे नालों, तेल भी महंगा हो गया, खंड भी महंगी हो गई है, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੌਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਸੀ ਉਹ 190 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਬਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ 32 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਵਧੇ ਗਏ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਮਸਲਾ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਥੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ 100 ਤੋਂ ਹੁਣ 120-125-130 ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਣ ਡਈ ਦਿਨ ਬਦਿਨ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਕਾਦੀਆਂ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਸੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੇਗੀ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਧਵਜਾ ਰੋਪਣ ਕੀ ਰਸਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਅਦਾ ਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਕਾਰਯ ਆਰੰਭ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਕੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗਈ। ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
फतेहगढ़ चूड़ियां रोड संजय कलोनी में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म उत्सव बड़ी ही श्रद्धा और सत्कार के साथ मनाया गया। इस मौके पर दिन में झांकियां और रात में कीर्तन किया गया। इस अवसर पर विश्व कौमी एकता बाबा बलबीर सिंह गुमटाला, कुलदीप सिंह, टीटू प्रधान, सुरेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। मैं कुलदीप सिंह, संजय गांधी कॉलोनी का निवास, फतेहगढ़ चूड़ियां रोड का। इतने शोभा यात्रा का प्रोग्राम है, जो कि इतों अपना यात्रा करनी है। अं गुमटाले तो होंगे हुए छिहाड़ा साहब जाना, मत्था टेकते राती कीर्तन दरबार है साढ़े इतने। सारी संगत में यही आप जुड़ के बेनती है कि इतने दर्शन देना। अज धन धन गुरु वाल्मीकि स्वामी जी का प्रगट दिहाड़ा है, जिसके संबंध में संगतान जोड़ मेला सब कट्ठा है। असी बहुत बहुत संगतान का धन्यवाद करते हैं। लख खुशियां महाराज बाणी फरमाते, लख खुशियां पातशाह मेरा सतगुरु नजर करे। धन धन गुरु वाल्मीकि स्वामी जी महाराज का अज महान प्रगट दिहाड़ा है, जिन्होंने सब तो पहलों अमृत तैयार किया, जिन्होंने इन्नी बख्श की आ, असी उन्हों का दिल नहीं दे सकते। धन धन गुरु वाल्मीकि स्वामी जी का प्रगट दिहाड़े संगत जोड़ मेले संगत कट्ठिया हुई। ये संजय गांधी कलोनी तो छिहाड़ा साहब जा रहे। कादियां की श्री नौजवान बजरंगबली सभा श्री कृष्णा मंदिर मोहल्ला धर्मपुरा की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी 35वां सालाना जागरण करवाया गया। इस मौके पर सभा के प्रधान सुरेंद्र कुमार छाबड़ा ने आए हुए मुख्य मेहमान श्री प्रभुदास डीएसपी कादियां को सम्मानित किया। इसके साथ ही मौजूदा प्रेस रिपोर्टर को भी सम्मानित किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते प्रधान सुरेंद्र कुमार छाबड़ा ने कहा कि शहर निवासियों के सहयोग के साथ सालाना जागरण करवाया गया है। ये सानू 35 साल हो गए ने महाराज के आशीर्वाद नाल और शहर वाले संजोग नाल जागरण करवाते आ रहे हैं। अगर महाराणी सानू तंदुरुस्ती दे, इहोजे भरावां नाल साथ दे, ते अहीं सदा ही जगराते कराते रहिए। पाकिस्तान से वतन लौटी भारत की बेटी गीता की डीएनए रिपोर्ट आने तक उसे इंदौर के मुखबधिर संस्था में रखा जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बात की जानकारी दी है कि गीता ने जनार्दन महतो को और उसके परिवार के लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया है। नेस्ले ने एक बार फिर भारत में मैगी नूडल्स का उत्पादन शुरू कर दिया है। हालांकि एक और जहां इसको बाजार में आने में वक्त लगेगा, तो वहीं दूसरी ओर इस पर कानूनी अड़चने भी कम नहीं हो रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मैगी के उत्पादन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे अरुण शौरी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अर्थव्यवस्था के खराब प्रबंधन के लिए एडीएन सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के दिनों को याद करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 280 से अधिक लोगों के मारे जाने का समाचार प्राप्त हुआ है और करीब 1300 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दूरस्थ और बेहद क्षेत्रों में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के बाद भूस्खलन हो गया। भारतीय टेस्ट टीम के कैप्टन विराट कोहली का मानना है कि वनडे क्रिकेट नियमों में हुए हाल ये बदलावों के कारण बल्लेबाजों को खासकर आखिरी ओवर्स में रन बनाने में मुश्किल हो रही है। अभिनेता आमिर खान को अपनी बेटी इरा की पहली कला प्रदर्शनी बेहद पसंद आई है और उन्होंने इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट चित्र भी खरीद लिया है। आमिर ने ट्वीट पर अपने प्रशंसकों को बताया कि उन्हें अपनी बेटी का बनाया श्वेत शाम चित्र काफी पसंद आया है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। यूनाइटेड अकाली दल के प्रधान भाई मोकम सिंह और सिख जथेबंदियों द्वारा एसटीपीसी के दफ्तर में दिया गया मांग पत्र। शिहाटा में मनाया गया भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म उत्सव। बढ़ रही महंगाई के चलते परेशान लोग। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त।